नमस्कार। नमस्कार आदरणीय जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई श्रृंखला में एक विशेष श्रृंखला है हमारी आज के सवाल। और अभी पिछले दिनों ही देश में एक ऐसी बात हो गई जिस पर विचार विमर्श होना बहुत जरूरी हो गया कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए। अब प्रश्न इसमें इसको लेकर एक बार हम रमेश जी मीणा जो बूंदी से हैं, अभी प्राचार्य हैं हिंडोली में, क्योंकि वो आदिवासी जनजाति को समझते हैं, देखते हैं और उनके बारे में लिखते भी हैं, कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, शोध कार्य भी करते हैं, उनकी रुचि विशेष है। तो उनसे जब आग्रह किया गया तो वो सहर्ष राजी हो गए, उनकी स्वीकृति मिल गई कि इस विषय पर बात की जाए। तो पिछला एक एपिसोड हम कर चुके हैं, उसका शेष अंश हम आज आपके सामने ला रहे हैं रमेश जी मीणा के साथ, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए। भाई रमेश जी, पिछली बार जो बात उठी थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी कहा था, एक ने तो कहा कि आप जो आरोपी है उसका नाम या जाति या आप उससे क्यों बचना चाहते, ठीक है, मैं कोई सवाल जवाब के उत्तर में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना ही है कि हमारा लक्ष्य समस्या को ठीक से समझ के उसके बारे में विचार रखना है, ना कि किसी विशेष खामे के लिए इसमें कोई तर्क वितर्क करना है। अब इसके तीन विकल्प सामने आते हैं हमारे। एक तो यह है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति चली आ रही है जातिगत वर्गगत असमानता को लेकर, वो पोषित करती है ऐसी मानसिकता कि आदमी आदमी के प्रति ऐसा भाव रखे, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा है जहां धर्म की जड़ताएं इस तरह आदमी को निष्ठुर बना रही हैं, या फिर आदिवासी समाज के लिए हमने अब तक क्या किया, कहां हमसे कमी रह गई। और एक चौथा प्रश्न भी सामने आता है कि आदिवासी समाज भी क्या कितना आगे बढ़ना चाहता है अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए, किस तरह वो स्वयं भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इन सब प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ, श्रोताओं के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय रमेश जी मीणा साहब, आप अपने विचार। धन्यवाद सक्सेना साहब जी। पिछली बार यानी शुरुआत आपने जो की थी जी, मध्य प्रदेश का घटनाक्रम, घटनाक्रम पूरी तरह से हर हाल में अमानवीय कहा जाएगा। प्रवेश शुक्ला नाम लिया गया था, नाम आया, लेकिन सवाल यहां से उठा था कि अगर ये मीडिया का धर्म फिर भी नहीं निभाया, ये सोशल मीडिया के तहत हम तक बात पहुंची, वही बात फिर शिवराज सिंह चौहान, यानी दो एपिसोड हुए, पहला वो, दूसरा एपिसोड राजनीतिक तौर पर यानी सेमी राजनीतिक था, फिर वो पूरी तरह से राजनीतिक हो जाता है, यानी प्रदेश का मुखिया फिर उसे लीपा पोती करते हैं। वो एक था कि किस तरह से वोट बैंक को मैनेज किया जाए। वैसे वर्तमान राजनीति जो चल रही है या नेतृत्व जिसे कहते हैं, नेतृत्व दो तीन तरह का हो गया, एक वो जो पूरे प्रदेश की या देश की राजनीति करते हैं, एक वो जो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के बतौर विधायक और सांसद है,
और वो मंत्री बन गए हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए हैं तो पूरे देश प्रदेश के प्रतिनिधि कहलाते हैं। लगता है ये तीनों तरह के प्रतिनिधि मुख्य तौर पर कोई भी घटनाक्रम होगा तो वो ये देखते हैं कि हमारा वोट बैंक खिसकना नहीं चाहिए। तो इस मद्देनजर चूंकि ये घटना जो हुई थी इसको कानूनन या सामाजिक स्तर पर जिस तरह से देखा जाना चाहिए था, अब आप देखिए कि सप्ताह भर लगभग हो गया, अब किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है, कोई समाचार नहीं है। ये समाचार लोकल स्तर पर प्रकाशित हुआ, फिर सोशल मीडिया ने हम तक पहुंचाया, अब उस पर कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं। ऐसा लगता है कि घटना हुई और उसके तुरंत बाद जितना एक्शन लेना था वो सबके सामने आया। इसके बाद तुरंत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसे अपना सब कुछ मानते हुए, यानी लोकतंत्र में सरताज होता है वोटर, ये उसे तवज्जो दिया गया बकायदा और वहां बिठा करके पैर धोए गए। उस पैर धोने में भी हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है, अगर थोड़ा हम उधर जाएं तो याद आएंगे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। ऐसा आभासित किया गया, वैसे आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं तो वहां भी जैसे आभासी दुनिया में हमें ले गए कि जो कुछ हुआ उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया जाए कि जो दूर दराज में रह रहे मतदाता है उन तक जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो संदेश चला जाना चाहिए कि जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या करना है या किस तरह से हमें क्या करना चाहिए। अब तक भी ऐसा होता रहा है, ये तो चलो मीडिया में आ गया, बहुत सारे घटनाक्रम जो न थाने तक पहुंचते हैं न मीडिया तक पहुंचते हैं। और ये हम कई बार देखते हैं कि जब भी आदिवासी थाने में पहुंचते हैं तो कितनी रिपोर्टें लिखी जाती है। ये दूसरी बात है कि जब उसके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट जाती है तो उस पर एक्शन जरूर हो जाएगा, लेकिन वो जब रिपोर्ट लेके जाएगा तब थाने और थानेदार जंगल विभाग तो खैर पहला एक्शन आदिवासियों की कुल्हाड़ियां छीन लेना, जब्त कर लेना, अंदर कर देना, ये सामान्य बात है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदिवासी मुख्य धारा में आए तो कैसे आए, कई तरह के संकट मुंबाए खड़े हैं उनके सामने, जिसमें सबसे पहले बहुत बड़ी स्थिति गरीबी की आती है। गरीबी अगर देखी जाए भारत में तो सबसे ज्यादा गरीबों में आदिवासियों का नंबर आता है। स्वाभाविक है कि वो दूरस्थ इलाकों में रह रहे हैं, इंटीरियर में रह रहे हैं, महानगरों में नहीं। आप ये कहीं भी देख लीजिए कि वो गांव तक में भी नहीं रहते, यानी वो गांव भी नहीं कहते। अभी हाल ही में मताई उपन्यास जब मैंने पढ़ा, या आप झारखंड की बात कर लें, बस्तर की बात कर लें, तो गांव शब्द भी ऐसा लगता है कि शहर के बाद गांव और गांव के बाद एक चौक ढाणी बोलते हैं, उस तरह से वो पाल बोलते हैं, तो वो पालों में रहते हैं। यानी गांव जिसमें अन्य जातियां रहती है, आदिवासी जहां रहते हैं उसके लिए गांव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हाल ही में मताई उपन्यास से हमारे सामने आया, फिर पुनः या यूं कहें कि जिस भी क्षेत्र की आदिवासियों की बात हम करेंगे तो वो गांव को, गांव विलेज का एक तरह से अनुवाद हो गया, जो हर प्रदेश में गांव कहा जाता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में उसके लिए जहां वो रहते हैं झोंपड़ी बना करके 10-20 के समूह में, फिर और बड़ा हो जाता है तो उसको फला बोलेंगे, तो इस तरह से कहते हुए कहने का मतलब फिर भी गांव नहीं कहेंगे वो। तो ये देखिए वो अंतर किस तरह से कर रहे हैं। तो उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं ग्रामीण क्षेत्र से भी अलग है, यानी पिछड़ों में भी अति पिछड़े। तो ऐसे में बेशक ये कहें कि आरक्षण के कारण सभी इलाकों से जितना फायदा मिल सका वो बाहर आए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आरक्षण से वो मुख्यधारा में आ गए। ये कहा जा सकता है कि जो सर्विस में आ गए तो वो मध्यम वर्ग में लगभग प्रवेश कर रहे हैं,
और वो संक्रमण में जी रहे हैं, उनके होने से बाकी बचा हुआ वो जो पहाड़ पे रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वो अभी उसी अवस्था में रहने वाले हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि आदिवासी की स्थिति कुछ प्रतिशत, हम कह सकते हैं ये आंकड़े भी आना बाकी है कि कितने में फर्क आया और किस वर्ग में कितना आया, किस जाति में कितना आया, ये सोशल स्टडी से पता चलेगा। तो गरीबी सर्वाधिक रूप से अगर कहीं मिलेगी, अशिक्षा कहीं मिलेगी, कुपोषण कहीं मिलेगा, और यहां तक कि विकास की जो बात है, जब अक्सर विकास की बात की जाएगी तो विकास न के बराबर सबसे कम अगर कहीं पाया जाएगा तो पहाड़ी इलाकों, जंगलों में, जहां वो आदिवासी ऐसे इलाके हैं। अब देखिए एक चीज, एक समस्या और आती है इसी के साथ कि गरीबी है, अशिक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य के बतौर जो हेल्थ सेंटर है वो गांवों तक सीमित है, और गांव भी इंटीरियर में अगर है तो वहां भी डॉक्टर कितना बैठता है। और ये भी कह सकते हैं कि स्कूल भी अगर खुल गए हैं, आंगनबाड़ी भी खुले हैं, तो वो कितना, किस तरह से उनका भला कर पा रहे हैं, ये एक अलग ही अध्ययन का विषय हो जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कुछ विकास जितना कागजों में होता है, जमीनी धरातल पर उतना नहीं हो पाता। और इसके अलावा जो मुख्य धारा जिसे आप कहते हैं, मुख्य धारा से मतलब ये जो शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में व्यापारी है या नेतृत्व कर रहे हैं वो नेता है, ये मुख्य धारा है। तो मुख्य धारा में आने के लिए यही कहा जा सकता है, अब तक का मेरा अनुभव और आप भी इससे सहमत होंगे कि व्यापार अभी वो नहीं कर रहे, आरक्षण के बतौर सर्विस तक पहुंचे हैं, तो जो पहुंच गया उसको ही हम वो विकास जो सरकार का है, वो विकास उस तक पहुंचना कह सकते हैं, वो मध्यम वर्ग में शामिल हो जाता है। लेकिन बाकी उसके थ्रू जितने दूसरे पीछे वाले होने वाले हैं, ये बहुत बड़ा दूसरा संकट है आदिवासी क्षेत्रों का। अभी मैं कहीं पढ़ी रहा था इसी दौरान, तो पता चला कि राजस्थान में साहित्यकार के बतौर हरिराम मीणा ने शुरुआत से ही काम आरंभ कर दिया था, आईपीएस होते हुए भी कहानी, उपन्यास, संस्मरण लिखना। तो एक लेख अभी मैं पढ़ी रहा था तो पता चला कि एक ने लिखा है कि पता चला कि ये जाति विकास कर गई, तो अब उम्मीद ये की जाती है कि इनमें से कितने ब्रह्मदेव शर्मा निकलते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये शब्द, चूंकि एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ब्रह्मदेव शर्मा और बस्तर जिले के कलेक्टर रहे, वहां से उनसे बेहतर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था, तो एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष वो बने थे। और संयोग, और ये कहें कि मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस होता है कि जब मैंने पीएचडी का विषय भी मेरा संयोग से स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य में आदिवासी, तो आजादी के बाद जितने मेरे को उपन्यास मिले थे 10-12, वो उपन्यास शामिल किए थे, पीएचडी मैंने जमा की थी। यूं कहें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहला एमफिल इस विषय पर हुआ था, 3 उपन्यासों पर। फिर मैंने पीएचडी के बतौर जब सिनोप्सिस जमा की तो डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो यूपीएससी के मेंबर रहे हैं, वो मेरे गाइड थे। तो जब सिनोप्सिस जमा हो रही थी, वो कहानी एक अलग है लेकिन इतना ही काफी यहाँ के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल मेरे पहले एक हुई थी, इसके बाद पीएचडी पहली हुई वो। और गर्व की बात यह है कि उसके वाइव में आने वाले ब्रह्मदेव शर्मा थे। तो ऐसी ऐसी आयोग के जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने सवाल किए, बेशक पीएचडी करने वाले की हैसियत उतनी नहीं हो जाती कि ब्रह्मदेव शर्मा को समझ सके, लेकिन फिर मैं दूसरा नाम लूंगा, बीपी वर्मा पथिक, जो अरावली उद्घोष को 25 साल तक चलाते रहे उदयपुर में रहते हुए।
उदयपुर के बाद से भील क्षेत्र उदयपुर के आसपास ग्रासिया और भील क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो उसी इलाके में वो बंबई में रेलवे में सर्विस करते थे। वहां से रिटायर होने के बाद वो करौली क्षेत्र से होते हुए भी रिटायर होकर के उदयपुर उन्होंने अपना आवास बनाया। और अरावली उद्घोष यानी अरावली की जो श्रृंखला चलती है वहीं उन्होंने निवास बनाया और अरावली का उद्घोष किया। मैं जब बूंदी आया तो बूंदी आते ही जब मेरी पीएचडी चल भी रही थी तो मैं निगाह रखता था कि अखबार में कहीं सूचना मिली कि अरावली उद्घोष में आदिवासी विशेषांक निकला है। तो मैंने उनको लेटर लिखा कि भाई ये अंक मुझे चाहिए। ऐसे इसी तरह से ट्राइबल करके उदयपुर से निकलती है उस पर भी आदिवासी विशेषांक आया तो उनको भी मैंने लिखा। तो बीपी वर्मा प्रतीक साहब का उधर से पोस्ट कार्ड पत्र आता है जिसमें वो लिखते हैं कि भाई हमारे तो पूरी पत्रिका ही आदिवासियों पर है, ये तो हमने विशेषांक लिख दिया। वैसे हमारा हर अंक ही विशेषांक है, तो आप हमारे एक अंक को क्यों, आप सभी अंक के हमारे सदस्य बनिए। तो इस तरह से वो जो पत्र आया, आपसे मैं कहूं कि उस पत्रिका का पहला ऐसा पत्र था। इससे ये साबित होता है कि संपादक वो आदिवासी से संवेदना से जुड़े हुए ऐसे संपादक थे जो चाहते थे कि लेखक भी बने, लेखक को पैदा करने सिखाने का मादा रखने वाले बीपी वर्मा पथिक को जब ये लगा कि ये पाठक के बतौर शोधार्थी के बतौर हमसे उम्मीद कर रहा है, वो उनकी उम्मीद ये थी कि हमारे सदस्य जुड़े, पाठक जुड़े और फिर यही आगे चलकर लेखक बने। तो वो पोस्ट कार्ड जब पहला आया इसके बाद वो अंतिम सांस तक उनके पोस्ट कार्ड मेरे पास आते रहे। उन्हीं की पत्रिका में ब्रह्मदेव शर्मा के बारे में मुझे बराबर पता चला। तब मुझे पता चला कि ब्रह्मदेव शर्मा क्या थे। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं इस विषय में और आजकल धड़ल्ले से पीएचडी दलित साहित्य पर आदिवासी साहित्य पर की जा रही है हर विश्वविद्यालय में, यहां तक कि ऐसा नहीं है कि आदिवासी स्टूडेंट ही ऐसा करते हो, सभी स्टूडेंट, बल्कि मेरे पास भी शोधार्थी आए तो वो भी पूछते हैं कि साहब आदिवासी पर हमें काम करना है। यूं ही नहीं जानते वो तो भी प्रस्ताव इस तरह से रखते हैं कि आजकल बूम आया है दलित साहित्य पर, फिर दूसरा बूम चल रहा है आदिवासी साहित्य पर। स्त्री विमर्श पहले चला था तो अब ये लेटेस्ट विमर्श है और विश्वविद्यालय में। और चूंकि प्रेमचंद पर अब काम हो नहीं सकता, जब मैं काम कर रहा था तभी सवाल उठ गया था कि प्रेमचंद नहीं, अब बहुत हो गया, आप क्या करोगे, इतना हो चुका है कि आप उनकी नकल करोगे तो पीएचडी हो जाएगी, नकल होने लग गई है। अब हम नहीं चाहते कि नकल हो, अब लाइए ऐसा विषय। तो मेरा विषय जब यूं ही मैंने आदिवासी रखा तो पुरुषोत्तम अग्रवाल उस जमाने में पहले शक किया, और फिर जब मैंने एक लेख के साथ वो दिया तब उन्हें कुछ विश्वास हुआ ये कर भी सकता है या नहीं। लेकिन बाद में जब ब्रह्मदेव शर्मा को उन्होंने मेरे वाइवा के लिए बुलाया तब तक हम किसी तरह से जैसे परंपरागत तौर पर खाना पूर्ति कहें वो किया। मैं मानता हूं मेरा काम उसके बाद 5-6 साल बाद तब चालू होता है। मेरा पीएचडी कंप्लीट तब होती है जब मैं बीपी वर्मा पति की अरावली उद्घोष से जुड़ता हूं। पीएचडी तो हो गई, औपचारिक रूप से जमा भी हो गई, वाइवा भी हो गया, डिग्री भी मिल गई, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं परिपक्व तब होता हूं जब अरावली उद्घोष संपादक बीपी वर्मा पथिक की पत्रिका के लिए मैं पत्र लिखना आरंभ करता हूं। यानी पत्र के बतौर पाठक की पत्र से आरंभ करता हूं, फिर आप ये कहेंगे कि मैं उनका एक तरह से संवाददाता हो जाता हूं कि कहीं भी आदिवासी पर अगर लिखा जाएगा, लिखा गया है तो दूसरा नाम आता है जनसत्ता का। उस दौरान जनसत्ता में आदिवासी से संबंधित जो भी लेख आएंगे मैं उसको वाच करूंगा और उसके बारे में रिपोर्ट करूंगा अरावली उद्घोष में। तो मैंने फिर एक कालम चलाया अरावली उद्घोष में, पत्र पत्रिकाओं में झांकते आदिवासी। उसी दौरान दूसरी पत्रिका निकलती थी रमणिका गुप्ता की, युद्धरत आम आदमी, एक आदिवासी सत्ता मध्य प्रदेश से निकला करती थी उसी वक्त जब अरावली उद्घोष इधर चल रही थी।
तो एक ट्राइंगल इस तरह से बना। तो ये सब पत्रिकाएं मेरे पास आती थी, तो इनमें जिस तरह से लेख आते उन लेखों का हवाला देते हुए मैं पत्र पत्रिकाओं में झांकते आदिवासी कॉलम मैंने अरावली गोश में चलाया। इस तरह से बीपी वर्मा पति को विश्वास हुआ, फिर उन्होंने मुझे अतिथि संपादक के रूप में 3 अंकों का संपादन दिया, वो मैंने किया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि मैं पाठक अरावली उद्घोष का बना आदिवासी विषय पर। और सरकारी सेवा में होते हुए उस पत्रिका के बतौर जितना मसाला हो सकता था, जब मैंने संपादन भी किया तो मुझे लेखक उससे पहले से जुड़े हुए थे, यहां तक कि ब्रह्मदेव शर्मा भी उसके लेखक थे, वीर भारत तलवार जो अभी वर्तमान में प्रोफेसर और वो JNU में वो आदिवासियों के बीच, झारखंड के आदिवासियों के बीच करके उन्होंने एक अभी बड़ी सी किताब उनकी आई थी, उसमें मैंने रिव्यू के बतौर जनसत्ता में लिखा था। आज ही संयोग से तलवार साहब का मोबाइल आया और वो पूछ रहे थे कि वर्मा साहब का वो जाना किस वर्ष में हुआ, थोड़ा उसकी तारीख वगैरह बताइए। तो संयोग ये देखिए कि आज तलवार साहब का, चूंकि तलवार साहब ने भी झारखंड में शिबू सोरेन जो अभी है उनके साथ भी काम किया और पहले से काम कर रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे थे, ये कहें कि वो प्रोफेसर बनने से पहले JNU में आने से पहले भी आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो आदिवासी क्षेत्र में शुद्ध रूप से जो काम कर रहे हैं उनसे दूसरी मुलाकात मेरी एडवांस स्टडी शिमला में होती है। और शिमला में मैं 3 बार जब गया एसोसिएट बन करके, वो फेलो के रूप में गए थे, वहां सुरेश सेठ भी मुझे मिले थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी साहित्य से, लेखन से मेरा जुड़ाव होने के क्रम में अरावली उद्घोष पत्रिका का योगदान रहा। तो इससे मैं कुछ हद तक समझ सका और ये कह सके कि बीपी वर्मा पथिक अगर नहीं मिलते, हालांकि मिलने का क्रम वही था जो आदिवासी का PhD के बतौर में काम कर रहा था, लेकिन उसी दौरान अरावली गोश से जुड़ना हुआ। फिर लगातार 2012 तक मैं उस पत्रिका से जुड़ा रहा, उसके 2-4 साल बाद तक पत्रिका चली, इसके बाद पत्रिका 25 साल पूरा करके दूसरे संपादक हुए, लेकिन फिर वो लगभग अनियतकालीन होते होते बंद हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासी में पाठक भी कम है, लेखक तो और मुश्किल काम है। पिछली बार भारत दोषी मुझसे बात कर रहे थे कोरे कागज पर, और दूसरी किताब जो आई थी उस पर, तो उन्होंने ये सवाल उठा दिया था कि आदिवासियों में से भी अभी लेखन कर्म नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सामने मताई उपन्यास जो आया, ये पहला ही उपन्यास है अभी राजस्थान से जो उन्हीं में से, उसी वर्ग से, उसी समुदाय से, उसी समुदाय पर लिखा जा रहा है, उसी समुदाय की लेखिका के द्वारा लिखा जा रहा है, ये पहला उपन्यास होगा राजस्थान से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभी उंगलियों पर गिनने वाले लेखक हमारे बीच में आ रहे हैं और बहुत कम हैं, पाठक भी कम हैं, यानी जितनी पत्र पत्रिकाएं आ रही है उसमें भी सामान्य पाठक हो सकते हैं और सामान्य ही लेखक हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल वही उठता है जो दलित साहित्य में उठता है आदिवासी विमर्श को लेकर के। मुझे लगता है ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ, क्योंकि आपके सवाल के बतौर, क्योंकि एक तरफा बात हो जाएगी, ये संस्मरणात्मक बात हो गई बात ही बात में। मेरा ये है, एक शब्द है संक्रमण काल, वो निरंतर चलता ही रहता है, युगों से चल रहा है, और हमारी जो संस्कृति है वो भी इस काल से गुजर रही है। तो आदिवासी संस्कृति को इस संक्रमण काल की क्या तपिश नहीं लगी है? आदिवासी जो अपनी संस्कृति है वो वैसे के वैसे जिस रूप में थी वैसे ही आज तक एग्जिस्ट करती है, या
उसमें कहीं कहीं कोई बदलाव देखे जा रहे हैं। इस पर अपन पुनः आगे बात करेंगे और आज का समय अवधि अपनी पूरी हो रही है, इसलिए आज अपन यहीं विश्राम लेते हैं और फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपन इस पर बात करेंगे कि उनके परिवर्तनों को हम कैसे देख रहे हैं या परिवर्तन है ही नहीं। बिल्कुल, नमस्कार।